अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्रसल्स बेल्जियम की सैटरडे और संडे मार्केट की सैर कराते हैं। ये शेड है, इसके नीचे भी मार्केट लगी हुई है, ये चीज़ें लगी हुई हैं, जूतियाँ, और ये दूर दूर तक स्टॉल लगे हुए हैं। और ये इधर सब्जियों की दुकानें हैं, सब्ज़ी काफ़ी अच्छी ताज़ा और सस्ती मिल जाती है। जो काफ़ी बड़ी मार्केट होती है ये मराकश के लोग ज़्यादा हैं इधर, उन्होंने अपनी दुकान लगाई हुई है। हर तरह का जैतून मिल जाता है। हर चीज़ मिलेगी। बोलो जी, तुम क्या क्या खरीदोगे? तो ये सब्जी फ्रूट है, एक 25 का डॉक्स, और इधर कपड़े हैं ज़्यादा, ये शैम्पू, स्प्रे, बच्चों के क्लिप, छह जोड़ों के शूज़ लगे हुए हैं। Ça va? Ça va bien. Excuse-moi, je cherche des ballons de basket pour les enfants. और उसके बाद हम अब शेड के अंदर चलते हैं। यहाँ पहले मस्बा खाना था, गाय ज़बा होती थी, बल्कि अब भी आम दिनों में गाय होती हैं मस्बा, लेकिन ज़बा नहीं होती। हफ्ता इतवार को ये बड़ी मार्केट लगती है ब्रसल में। ये पर्स लगे हुए हैं, शर्ट 6 यूरो की, कुछ 6 की बेचेगा, कुछ 4 की भी बेचेगा, कुछ 3 की भी बेचेगा। महंगे वाले भी हैं या सस्ते वाले भी हैं। ज़्यादा दुकानदार जो हैं वो मराकश के हैं, और आपकी अगर दाढ़ी है तो आपसे फौरन वो अरबी में बोलेंगे पहले, और सलाम करते हैं, इनमें बड़ी खूबी है। अब वो सलाम अलैकुम जैसा भी करते हैं, सलाम तो करते हैं। सेंट भी लगे हुए हैं, 2-2 यूरो। एक एक जोड़ों का शैम्पू लगा हुआ है, बैटरियां लगी हुई हैं, घड़ी वाली मशीनें, ये आ गए चॉकलेट बिस्कुट,
इधर भी मार्केट है। खजूरें लगी हैं, रमजान आ रहा है, महंगी कर दी थोड़ी सी इन्होंने, लेकिन सस्ती भी मिल जाती है। Mais je peux trouver où ça? Là-bas? हाँ जी, पुराना सामान भी मिल रहा है, नया भी मिल रहा है, पुराना भी है। ऑटो का सामान भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है। हमने काफ़ी सैर करा दी है, बाकी इंशाल्लाह फिर से। ओके, खुदा हाफिज़।